हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है भूषण और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब भूषण रेड पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइबर का जो प्लान है 199 वाला, उसके बारे में, जिसमें हमें मिल जाता है 1000 GB डेटा, जो कि होता है 1 TB। एंड दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि उसमें हमें OTT एप्स का क्या क्या सब्सक्रिप्शन मिलता है या मिलता नहीं है। बाद में रिसेंटली जो इन्होंने अपडेट कर दिया है दोस्तों, जियो गेम्स में हमें पहले गेम्स नहीं देखने मिलते थे, अभी हमें गेम्स दिखने मिल रहे हैं, तो उसके बारे में भी मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ। बाद में बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि G5 का चैनल हमें नहीं देखने मिल रहा था, तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे अभी G5 का हमें एक आइकॉन देखने मिला है। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे हमें G5 का आइकॉन देखने मिला है, और ऊपर नॉर्मली जियो नेट, वेलोसिटी, सोनी लाइव, यूट्यूब, वूड, फोटोज, हॉटस्टार, माई जियो म्यूजिक, जियो पेजेस, जियो सिनेमा, इतने सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें जियो के सेट टॉप बॉक्स राउटर में ये वाले ऐप्स अभी मिलने लग गए हैं, जिसमें G5 अभी लेटेस्ट में जो है वो अपडेट हो चुका है। एंड बाकी ऐप्स भी, इन सभी ऐप्स के बारे में आप सभी को ऐसे बताने वाला हूँ कैसे कैसे होने वाले हैं और उसके अंदर आपको क्या क्या देखने मिल सकता है वो। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा कि ये 199 वाले प्लान में ये सब मिला है या नहीं। ठीक है दोस्तों, कि एग्जैक्टली क्या क्या मिल रहा है हमें इसमें। तो आप सोनी लाइव ओपन करते हैं अभी हम, तो मैं अभी ओपन करूंगा सोनी लाइव। तो जैसा कि आप देख सकते हो सोनी लाइव अभी यहाँ पे ऑन हो रहा है हमारा। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक चीज बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो आप OTT ऐप्स जो देख रहे हो पीछे, ये सब कैसे रन हो रहा है। तो ये जो 199 वाला प्लान है, इसमें हमें मिलता है डेटा जो कि होता है 1000 GB वाला। लेकिन अगर ये ऐप्स आपको चाहिए तो इसके लिए आपको पहले तो 699 वाला प्लान, जो कि ब्रॉन्ज प्लान है, एकदम मिनिमम इनका जो प्लान है जिसमें आपको 150 GB डेटा मिलता है, वो प्लान आप ले सकते हो। क्योंकि जब आप वो प्लान लेते हो तो उसके साथ आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, ये OTT ऐप्स का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो मिल जाता है। जियो सावन एंड जियो सिनेमा, ये दो ऐप्स इन्होंने वहाँ पे रखा है कि उसका सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है। एंड उसके बाद अगर आप 199 वाला रिचार्ज करते हो तो उसमें आपको 1000 GB डेटा मिलता है। उस डेटा से आप ये यूज़ कर सकते हो। तो अभी ये कितने महीने तक चलता है, लाइक 2 महीने का सब्सक्रिप्शन होता है या ऐसा कुछ, इस बार पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया गया है वहाँ पे। लेकिन मेरा 1 महीने का डेटा वो खत्म हो चुका है, बाद में मैंने 199 का प्लान किया और उसमें भी अभी ये सब चल रहा है। तो जियो सावन एंड जियो सिनेमा जो है वो मैं आपको इसमें रन करके दिखाऊंगा कि वो 199 में चलता है या नहीं। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये है हमारा सोनी लाइव वाला एप्लीकेशन, जिसमें देखिए यहाँ पे लिखा है प्रीमियम। तो मैं अभी इसे प्ले करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपको टू वॉच दिस, साइन इन और गो प्रीमियम। तो साइन इन करना पड़ेगा या गो प्रीमियम करना पड़ेगा। तो मतलब हमें गो प्रीमियम करना है, और गो प्रीमियम करने के बाद भी ये श्योरिटी नहीं है कि हमें फ्री में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि 99 वाला हमें प्लान लेना पड़ेगा तभी हम ये देख सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो जो भी प्रीमियम ऐसा लिखा हुआ है ऊपर, वो आप मोस्टली नहीं देख सकोगे फ्री में। बाद में बात करते हैं, ये तो लेटेस्ट एपिसोड्स हो गई है जो सोनी पे हमें देखने मिल जाते हैं। ये कुछ हाईलाइट्स हो गई, अभी ये लाइव न्यूज है इसमें। तो ये आज तक का चैनल, इंडिया न्यूज, न्यूज नेशन, दिल्ली, तेज, सवाल आपका, बूमरिंग, एंड ये ऐसे कुछ चैनल्स जो आपको यहाँ पे दिखने मिलते हैं। तो इसमें से मैं आपको एक चैनल लगा के बताता हूँ जिसका नाम है आज तक। तो ये आज तक चैनल आप देख लीजिए किस तरह से लग रहा है। तो यहाँ पे जो वीडियो क्वालिटी है वो ऑटो पे है, डेटा सेवर, बेस्ट, गुड। तो मैं बेस्ट पे रखता हूँ ताकि हमें सबसे अच्छी से अच्छी क्वालिटी यहाँ पे मिल जाए। तो सबसे अच्छी क्वालिटी हमें यहाँ पे मिल सकती है, जैसा आप देख सकते हो ये है बेस्ट वाला। तो कुछ इस तरह से आपको मिलना है देखने के लिए। अभी मैं बैक करता हूँ, बैक करने के बाद हम अलग अलग चैनल्स देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है LIV ओरिजिनल, द कपिल शर्मा शो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इनके आपको शोज मिलते हैं, ये लाइव नहीं है, इतना याद रखिएगा। बाद में ये प्रीमियम वाला, जैसा मैंने बताया, तो प्रीमियम वाला तो आपको चलने वाला है भी नहीं वैसे भी। एंड सेकेंड थिंग ये है सोनी मराठी वाला चैनल, तमिल शोज, तेलुगु शोज, लाइव TV शोज, ऐसे कुछ यहाँ पे आपको देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वूड TV के ऐप, जो हमें ऐप मिलता है वो वूड TV जो यहाँ पे लिखा है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं उसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो अभी मैं ये ओपन कर रहा हूँ वूड TV। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेसिंग के बाद हमें देखने मिल जाता है इसका होम स्क्रीन, जिसमें हमें होम, शोज, मूवीज,
चैनल्स एंड सेटिंग्स ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो जैसे हम मूवीज़ में जाते हैं तो हमें अलग अलग टाइप के मूवीज़ यहाँ पे देखने मिलते हैं। ये एयरलिफ्ट हुआ, रोमांस, फिर कन्नड़ा मूवीज़, तेलुगु मूवीज़, तुलु मूवीज़, बंगाली एंड इसमें ऑल मूवीज़ ऐसा करके इसमें लिखा है। तो इसमें से मैं आपको कोई एक मूवी अभी प्ले करके दिखाता हूँ, जैसा कि हुआ फॉर एग्जाम्पल ये एयरलिफ्ट। तो ये एयरलिफ्ट वाली मूवी, अरे ये क्या बताया इसने, तो ये इनवैलिड कुछ बता रहा है। तो फिर यहाँ पे हम दृश्यम ये वाला मूवी, इनवैलिड मीडिया एंड और मीडिया टाइप, कोई और एक मूवी हम ट्राई करके देखते हैं, जब प्रेम की गजब कहानी। तो यहाँ पे मैं इसे वॉच करके देखता हूँ। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो नीचे कलर्स लिख के आया था, पता नहीं मुझे क्यों लिख के आया था वैसे, कलर्स वायाकॉम। तो ये देखो मूवी कुछ इस तरह से चलने लगी है। अभी मैं इसे ट्राई करता हूँ कि इसे फॉरवर्ड करें हम। तो ये मूवी में फॉरवर्ड कर लिया है और ये प्ले हो चुका है। आप देख सकते हो इसकी क्लियरिटी किस तरह से लग रही है। ये अभी 100 Mbps के स्पीड से चल रहा है। इसका आवाज़ मैंने ज़्यादा नहीं बढ़ाया, इसका आवाज़ मैं कम ही रखता हूँ ताकि कॉपीराइट ना आ जाए वीडियो पे, इसलिए इसका आवाज़ मैं कम ही रखूँगा। एंड वीडियो को हम आगे आगे करके दिखाते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये मूवी तो इसमें प्ले हो रही है अच्छी तरीके से। एंड फिर यहाँ पे कन्नड़ वगैरह मूवीज़ भी है, कुछ कुछ मूवीज़ चलेगी, कुछ नहीं चलेगी। तो ये ऑल चैनल्स में मैं आ चुका हूँ। ऑल चैनल्स में आपको जैसा ही देखने मिल सकता है टीवी पे, इतने सारे अलग अलग ऑप्शन है। तो कलर्स हिंदी में मैं भी जाऊँगा, उसमें 122 शोज़ है। तो इसमें ये जो है यहाँ पे इन्होंने शोज़ बताए हैं, ना कि लाइव टीवी है, इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ये शोज़ इन्होंने जो रिकॉर्डेड शोज़ होते हैं वो रिकॉर्डेड शोज़ इसके अंदर है, जिसमें से मैं अभी बिग बॉस का सीज़न 13 है जो कि मैं अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अभी ये वॉच अगर मैं करता हूँ इसे वुड पे, थोड़ा आगे लेते हैं हम इसे। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा बिग बॉस का शो चालू हो चुका है, लेकिन ये है कि ये रिकॉर्डेड होता है ना कि ये लाइव है। तो ये बात का आपको इसमें ध्यान रखना है। बिग बॉस का ये शो अभी इसमें चल रहा है, तो बाद में हम कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे अभी हमें सभी शोज़ मिलते हैं फिल्म में ही, MTV की कुछ शोज़, मतलब इसमें ऐसा इन्होंने दिया है कि अलग अलग चैनल्स इन्होंने प्रोवाइड तो कर दिए हैं हमें, लेकिन उसके शोज़ है। यहाँ पे आप ठीक से एक बार देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है नीचे, जैसे आप देख सकते हो 122 शोज़ यहाँ पे इन्होंने लिखा है, 121, 19 शोज़, 8 शोज़, 87 शो। तो इसमें ऐसा है कि इसमें शोज़ है ना कि लाइव है। तो शोज़ जो रिकॉर्डेड है वही शोज़ इसके अंदर आप देख सकते हो। तो मैं आपको कुछ और बता दूँगा। अभी वुट ओरिजिनल्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, जो कि वुट की सीरीज़ होती है, वो सीरीज़ आप इसमें देख सकते हो। कोई एक मैं प्ले आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसा हम इसे वॉच करते हैं, तो ये जो जैसा मैंने पहले भी बताया ये रिकॉर्डेड वाला होता है। अब आप देख सकते हो ये बफरिंग कर रहा था थोड़ा डेटा, अब ये मैं लेके आता हूँ इसे थोड़ा आगे। और जैसा आप देख सकते हो अभी ये जो है ये प्ले हो चुका है, लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा मैं भी कंफ्यूज हूँ। हाँ हो गया, शायद से मैंने इसे पॉज कर दिया था। तो कुछ इस तरह से क्लियरिटी तो अच्छी खासी हमें मिल जाती है स्पीड अच्छा होने की वजह से। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हो कि हमें लिविंग सून, मैं इसे बंद कर रहा हूँ अभी। तो दोस्तों जैसा आपने देखा जी फाइव में हमें कुछ वो ऐप्स देखने मिल गए, और यहाँ पे वुड टीवी में हमें कुछ ये वाले ऐप्स देखने मिल गए। ऐप्स यानी कि चैनल्स में बोलना चाहता हूँ। तो जो जो चैनल्स इसके अंदर थे, जो जो मूवी शो इसके अंदर थे, वो आपको देखने मिल गए हैं इसके अंदर। तो कुछ इस तरह से है। तो अभी हम बात करते हैं इसमें और कुछ नया इन्होंने अपडेट किया है या नहीं। तो जैसा आप देख सकते हो फोटोज इसमें है, म्यूजिक है, जियो पेजेस है, जियो गेम्स है। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको बताना चाहता हूँ कि जियो गेम्स में हमें कौन से गेम्स देखने मिल जाते हैं, क्योंकि इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैंने बनाए थे जिसमें जियो गेम्स ओपन करने के बाद जियो गेम्स आगे बढ़ता ही नहीं था। मतलब जैसे हम जियो गेम्स ओपन करते थे वहाँ पे ग्रीन कलर का स्क्रीन आता था, उसमें जियो गेम्स लिखा हुआ था, उसके आगे तो ये कभी बढ़ा ही नहीं। तो इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि जियो गेम्स में एक्जैक्टली हमें क्या क्या और कौन से गेम्स मिलते हैं, हमें फीफा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि अभी तक इतने दिन हो गए, मुझे अभी तक फीफा इसमें नहीं मिला। वर्चुअल रियलिटी से जुड़े हुए जो उन्होंने बताया था वो कुछ इसमें नहीं देखने मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं जियो गेम्स से। तो यहाँ पे भी मैं आने वाला हूँ, ये जियो गेम्स पे मैं आ चुका हूँ। तो ये जियो गेम्स अभी मैंने कर लिया है ऑन। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो ये इंस्टेंटली लॉग इन हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं कुछ जियो गेम्स देखने मिल जाते हैं, क्रिकेट, डिनो किंग, पुलिस अटैक, ये डूडल वाला गेम। तो ये तो जो माइक्रोमैक्स के जो मोबाइल थे उसके अंदर ये डूडल जंप वाला गेम होता था, बाद में ऐसे नॉर्मल छोटे छोटे गेम्स हैं। तो इसमें से ये क्रिकेट वाला गेम मैं अभी आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ किस तरह से। ये नीचे आपको स्क्रीनशॉट देखने मिल जाते हैं इसके।
तो सीधा प्ले करते हैं। तो अब ये हो रहा है प्ले। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसने लोडिंग के लिए थोड़ा सा हमारा टाइम लिया है वहाँ पे। बाद में हम यहाँ पे करेंगे क्विक मैच। क्विक मैच करने के बाद में कुछ इस तरह से हमें इंटरफेस आते हैं। बाद में हम यहाँ पे अलग अलग टीम सिलेक्ट कर सकते हैं। टीम सिलेक्ट करने के बाद हम प्ले करेंगे। टीम बहुत सारी है लेकिन मैंने जल्दी से आपको दिखाने के लिए कर लिया। तो अभी हमें यहाँ पे करना है बैटिंग। और ये देखो मैं आउट हो चुका हूँ फर्स्ट बॉल पर ही। तो अभी मैंने मारा है कुछ नहीं, वो कैच पकड़ लिया, तो इसमें भी मैं आउट हो चुका हूँ। तो खेलना थोड़ा इसमें मुश्किल पड़ जाता है दोस्तों आपको, क्योंकि आपको अभी वापस में आउट हो चुका हो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, हमें खेल रहा हूँ ये गेम और मैं इसमें आउट होते जा रहा हूँ। अरे ये देखिए किस तरह से हमें बस आउट 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 हो रहा है। अरे वाह, और ये लग चुका है हमारा फोर। तो दोस्तों ये मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से खेलना होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये है मेरे पास इसका रिमोट, एंड रिमोट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो राइट एंड ये जो लेफ्ट बटन है, इससे हमें इसे कंट्रोल करना होता है। मतलब अगर लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट के साइड पे मारेगा वो बॉल, एंड राइट करेंगे तो राइट के साइड में। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्या बताइए, ठीक से थोड़ा कंट्रोलिंग में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। हम एक बार और ट्राई करके देखते हैं। जैसा मैंने देखा, अभी आपने देखा कि वो कुछ शॉट मारा ही नहीं उसने। देखो वापस एक बार ऐसा हो गया। तो कुछ इस तरह से तो ये जो है हमें इसका प्रॉब्लम देखने मिलते हैं। बाद में मैं एक और गेम आपको लगा के दिखाता हूँ जो कि डूडल जंप करके आप। तो डूडल जंप गेम में आपको रन करके दिखाता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो, लोडिंग इसने लिया है थोड़ी देर के लिए। और इसमें भी सेम कंसेप्ट है जैसा मैंने आपको बताया, राइट एंड लेफ्ट करके आपको इसे चलाना होता है। और ये कुछ इस तरह से जाता है ऊपर ऊपर ऊपर, और अगर आप नीचे गए तो आपको गेम मूव हो जाता है, मतलब आउट हो जाते हो आप बेसिकली। तो कुछ इस तरह से ये चलता है। बाद में अंदर एक उसने एडवर्टाइज भी दिखा दिया। बाकी के ये नॉर्मल से छोटे छोटे गेम्स मुझे लग रहे हैं। ये पुलिस कार वाला गेम में भी इसे देखता हूँ इसके अंदर क्या है। अरे ये देखो स्क्रीनशॉट आपको बता देता हूँ, गेम देखिए किस लेवल के गेम है, एकदम बच्चे वाले गेम उन्होंने इसमें प्रोवाइड किए हैं जियो गेम्स के अंदर। तो और वो भी इतने ही गेम्स है, इससे ज़्यादा गेम इसके अंदर नहीं है। जितना मैंने आपको बताया उतने ही गेम्स इसके अंदर हमें देखने मिलते हैं। तो दोस्तों जैसा आपने देखा, जियो गेम्स के अंदर मैं गया था, उसके अंदर हमें जो जो गेम देखने मिले वो एकदम से बच्चों टाइप से गेम देखने में वहाँ पे मिले। क्योंकि ये जो गेम्स है ये आप आपके मोबाइल पे भी खेल सकते हो। डूडल वाले जो गेम है ये माइक्रोमैक्स कैनवास के जो मोबाइल्स थे उसके अंदर हमें मिलते थे, जो कि अभी इन्होंने दिया है जियो सेटअप बॉक्स में। जो कि इन्होंने स्टार्टिंग में जब ये डिस्प्ले कर रहे थे जियो फाइबर के बारे में, तो इन्होंने एक फीफा एक गेम कर खेल के बताया था हमें। तो वो गेम तो इसमें हमें देखने नहीं मिलता है। इंटरनल मेमोरी इसकी कम है, अराउंड 4 GB के नज़दीक ही कुछ तो है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 4 GB के ऊपर ही है। तो इसका इंटरनल मेमोरी इतना है, तो इसमें हमें फिलहाल तो वो कुछ देखने नहीं मिला। अभी बात करते हैं कि जो हम 199 में 1000 GB का जो डेटा होता है वो मिलता है, वो रिचार्ज करते हैं, तो क्या हम उसमें ये सब चला सकते हैं? तो दोस्तों हाँ, हम ये चला सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बोल दिया, जो मेरा पहला प्लान था 699 वाला, जिसमें हमने ब्रॉन्ज लिया था, ब्रॉन्ज में हमें मिलते थे 150 GB का डेटा, और जिसमें हमने ये सब एक्टिवेट कर लिया था, ठीक है। तो ये एक्टिवेट होने के बाद, अभी एक महीना होने के बाद मैंने 199 का प्लान किया है रिचार्ज, और जिसमें हमें ये सब अब देखने मिल रहे। तो जैसा मैंने आपको बताया था, जियो सावन और जियो सिनेमा के जो सब्सक्रिप्शन हमें मिले थे, तो वो अभी हम देखते हैं इसके अंदर है नहीं है, या चल भी रहा है 199 वाले प्लान में या नहीं, तो देखते हैं। तो ये मैं अभी जाता हूँ ऊपर। जैसा आप देख सकते हो, यहाँ पे जियो सिनेमा आया है, तो मैं अभी जियो सिनेमा ओपन कर लिया मैंने। यहाँ पे एवेंजर्स मोना ये वो हिंदी, तो ये हिंदी मूवी है। अरे ये आ गया, देखो इसमें सब आपको हिंदी मूवीज देखने मिलते हैं। तो ये है लुका छुपी वाला मूवी, तो ये मूवी मैंने अभी ऑन कर लिया है, वॉच नाउ करते हैं। रिज्यूम वॉचिंग, जो मैंने पहले वॉच कर रहा था मैं ये वीडियो, ये मूवी बेसिकली। तो जैसा आप देख सकते हो अभी ऑन हो चुका है। क्लियरिटी हमें चाहिए, आपको इसे बस सिलेक्ट करना होता है, राइट एंड लेफ्ट को आप एडजस्ट करके इसके क्लियरिटी को एडजस्ट कर सकते हो। जैसा आप देख सकते हो ये एकदम से चल रहा है फुल HD में। जैसा आप देख सकते हो 100 MBPS की स्पीड से अभी ये सब चल रहा है दोस्तों। तो मैं अभी इसे थोड़ा सा आपको आगे करके दिखाता हूँ। तो ये भी ये मैंने थोड़ा सा कर लिया है आगे। जैसा आप देख सकते हो लुका छुपी ये मूवी हिंदी मूवी चल रहा है एकदम से सीधा सीधा से। तो ये तो हो गया हमारे जियो मूवीज़ के बारे में। तो जियो मूवीज़ के में हमें अलग अलग जो मूवीज़ है वो देखने मिलते हैं, इसमें शोज भी हमें देखने मिलते हैं ऐसा बताया है, मतलब वेब सीरीज़ हमें इसमें देखने मिल जाते हैं। बन में ये नागिन कौन सा एपिसोड है, तो कलर्स के टॉप शोज हमें इसमें देखने मिल सकते हैं, ऐसे इन्होंने इसमें हमें
दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। ये डिज्नी जियो करके कुछ तो नया ही मुझे दिख रहा है, तो आई थिंक इसमें भी मूवीज़ एंड टीवी शोज़ है, तो टीवी शोज़ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये मूवीज़, अच्छा मूवीज़ के अंदर मतलब जो हॉलीवुड के मूवीज़ बेसिकली है वो आप इसमें देख सकते हो, कार्टून मूवीज़ टाइप जो बच्चों वाली होती है वो मूवीज़ आप इसके अंदर देख सकते हो। बाद में ये है होम यहाँ पे, और मैं आ चुका हूँ पीछे। तो जैसे मैंने कहा था, जियो सिनेमा एंड जियो सावन का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है फर्स्ट प्लान में, जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ 199 वाले प्लान में। तो आप सोच सकते हो मतलब मैंने कोई अलग से रिचार्ज नहीं किया है। अब मैं आपको इसमें एक आधा गाना प्ले करके दिखाता है, तो ये है इलीगल वेपन करके कोई सॉन्ग है, तो मैं इसे भी प्ले कर रहा हूँ। मैं आवाज़ इसका कम रखता हूँ, आपको बताता हूँ ये सब ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैं इसे थोड़ा आगे कर लेता हूँ। तो देखो गाना भी मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं इसका आवाज़ ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता, नहीं तो YouTube के अकॉर्डिंगली मेरे वीडियो पे कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैंने इसका आवाज़ ज़्यादा बढ़ाया नहीं। गाना मेरा चल रहा है। बेसिकली मुझे आपको ये बताना था कि हमारे 199 वाले प्लान में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है, वो सब चीज़ें मैंने आपको जो बता दी है। बाद में आते हैं हॉटस्टार के ऊपर, क्योंकि यार अगर आप इतना रिचार्ज करते हो तो आपको कौन सी चीज़ें देखने मिल रही है वो 1000 GB वाले डेटा में, तो वो भी आपको इम्पोर्टेंट है। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे हाउसफुल, अभी हाउसफुल 4 है, मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ऊपर आपको लिखा है VIP, तो ये मैं प्ले करता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये वापस ऐसा कुछ तो लॉगिन का प्रोसीजर हमें बता रहा है जो एक्टिवेट करना होगा हमें, लेकिन इसके पहले भी इन्होंने Z5 में भी एक प्रोसीजर बताई थी जिसमें हमने लॉगिन किया था। तो लॉगिन करने के बाद भी आपको जो होता है मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है या तो एनुअली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो मुझे नहीं लगता VIP वाला आप इजीली देख पाओगे। बाद में यहाँ पे इन्होंने TV करके बताया है, तो TV में तो बस वही थिंग है कि रिकॉर्डेड शोज आप इसमें देख सकते हो जो कि ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, हमें यार एक्चुअली देखना होता है लाइव। बाद में हॉटस्टार के में भी आप मूवीज़ देख सकते हो, वो कुछ मूवीज़ है इसमें जो कि आप देख सकते हो। ये बात भी याद रखने वाली है कि VIP वाले नहीं देख सकते, प्रीमियम वाले तो वैसे भी आप 4 मिनट के बाद उसके ऊपर देख ही नहीं पाओगे। तो ये मैं प्रीमियम सेक्शन में आ चुका हूँ। अभी प्रीमियम सेक्शन के अभी ये अगर मैं प्ले करने की बात करता हूँ तो देखते क्या होता है। इसमें भी सेम लॉगिन प्रोसीजर शायद से चलेगा नहीं चलेगा कुछ पता नहीं सकते इसके बारे में, क्योंकि वैसे भी प्रीमियम तो है तो 4 ही मिनट तक चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चल पाता। ये वापस ये अभी मैं चैनल्स में आ चुका हूँ, चैनल्स में आने के बाद ये है स्टार प्लस, तो स्टार प्लस में अभी प्ले करके आपको दिखाता हूँ कैसा है। तो इसने क्वालिटी स्टार्टिंग में शायद से कम सिलेक्ट कर ली है, तो मैं इसे एकदम करूँगा हाई पे सिलेक्ट, एकदम हाई सिलेक्ट करते हैं क्वालिटी। तो जैसा आप देख सकते हो अभी हाई सिलेक्ट करने के बावजूद भी ये क्वालिटी कुछ जैसे थोड़ी अंदर ब्लर ब्लर टाइप दिखने मिलती है हमें, थोड़ी सी ब्लर मुझे फील यहाँ से हो रही है। हाँ अभी क्लियर हो गई, अभी काफ़ी हद तक ये क्लियर हो चुकी है, मतलब थोड़ा टाइम लगता है क्लियर होने में पर क्लियर होती है। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, ये शायद से कुछ खाना बनाने का काम कर रहे हैं। बाद में ये कुछ चैनल्स है जो आपको इसमें देखने मिल जाते हैं लाइव, ये बाद में ये तो प्रीमियम वाले सेगमेंट आ गए। प्रीमियम है या नहीं ये आपको यहाँ से पता चल जाता है, यहाँ पे लिखा होता है प्रीमियम तो वहाँ से आपको पता चल जाता है। स्टार प्रवाह ये मराठी चैनल आपको इसमें दिखने मिल जाता है, जर तुम्ही मराठी असेल तर तुम्ही हे बघू शकता, तर मराठी चॅनल तुम्हाला याच्यात बघायला भेटते। त्याच्यानंतर फॉक्स TV, नॅशनल जिओग्राफी, नॅशनल जिओग्राफीमध्ये आप देख सकते हो सीजन जिस तरह से आप देख रहे हो, तो ये नॅशनल जिओग्राफी हमारा प्ले हो चुका है यहाँ पे। मतलब चॅनल्स तो अच्छे खासे चल रहे हैं इसके अंदर, जो कि मैंने 1000 TB वाला डेटा जो है वो इसमें डाल लिया है। बाद में ये भी स्टार उत्सव स्टार वी, तो जो भी लाइव लिखा है वो तो लाइव आप देख सकते हो, जिसमें लाइव नहीं लिखा है उसके रिकॉर्डेड शोज होते हैं वो आप देख सकते हो। तो ये है हमारा स्टार स्पोर्ट्स। अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, कि अगर आपको क्रिकेट देखना पसंद है तो आप क्रिकेट इस पर देख सकते हो सीधा सीधा स्टार स्पोर्ट्स। एंड तमिल तेलुगू एंड कन्नड़ बंगाला मराठी बांग्ला नॉट बंगाला इस बांग्ला एंड कुछ इस तरह से आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो चैनल जैसा मैंने आपको बता दिया इतने चैनल्स में है, एंड लैंग्वेजेस भी आपको दिखा देता हूँ, लैंग्वेजेस में कुछ ऐसा अलग से हमें कुछ देखने मिलता है नहीं, हाँ बस वही ये लैंग्वेजेस अलग अलग और उनके अलग अलग शोज़ यहाँ पे हमें देखने मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। जैसे दोस्तों जैसा आपने देखा कि यहाँ पे अलग अलग मैंने आपको अभी
सोनी लाइव के बारे में बताया, मैंने आपको भूत के बारे में भी बता दिया, मैंने आपको जियो गेम्स के बारे में भी इसमें डिटेल में बता दिया है, बाद में जी फाइव के बारे में एंड हॉटस्टार के बारे में, सभी के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दिया है। तो भी आप ये आप भी डिपेंड करता है कि आपको ये प्लान लेना चाहिए या लेना नहीं चाहिए। प्लान के जैसे मैंने आपको बताया, ब्रॉन्ज वाला प्लान मैंने एक महीने के लिए लिया था, बाद में 199 वाला प्लान मैंने लिया जिसमें मुझे अराउंड 1000 GB वाला डेटा जो मिला था मुझे 7 दिनों के लिए है। एंड वही हम अगर आपको मंथली यूज़ करना है तो वही हम मंथली भी आप इसे कर सकते हो, मतलब उतने बार आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसे जो है वो एक्टिवेट कर सकते हो। तो जैसा कि आपका मैंने सभी बता दिया है, तो अभी हम बात करने वाले जियो टीवी प्लस के बारे में। तो जियो टीवी प्लस में हमें क्या देखने मिलता है, तो जैसा देख सकते हो जियो टीवी प्लस ऑन हो चुका है यहाँ पे, ये तो हमारा मूवी है, चलो इसे ही प्ले करके देख लेंगे। और ये हो चुका है एकदम से बफर, क्योंकि हमारी क्वालिटी है अच्छी खासी, तो थोड़ा इसे आगे कैसे मूव करते हैं इसे आगे मूव होने के बाद हम इसे, अरे क्वालिटी देखो यार, क्वालिटी मतलब बहुत सही है, थोड़ा सा ये देखो आप अभी इसे आवाज़ सुन सकते हो थोड़ा बहुत, मैं इसका आवाज़ नॉइज में कम ही कर दूंगा। क्वालिटी यार अगर आप मुझे पूछोगे तो एकदम फुल HD बहुत सही सी क्वालिटी इसके अंदर चल रही है, तो ये प्लान के अंदर हमें इसे देखने मिल जाता है। तो जो भी आपका ये था कंसर्न था कि हमें देखने मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, देखने आप देख सकते हो आप बाद में। इसमें नॉर्मली बिग बॉस का शो है, पॉपुलर टीवी शोज, फिर अलग अलग ऐप्स, ये हॉटस्टार के लाइव चैनल्स इसमें बता रहा है, जो भी मैंने आपको हॉटस्टार में बताया वो सेम के सेम यही पे है। तो इसमें इसके बारे में बात करने से कोई पॉइंट नहीं, तो नीचे चलते हैं। जियो सिनेमा है, वुड, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कुछ अलग, वुड प्रीमियम लाइव टीवी है, तो कलर्स लाइव HD, ओ तो ये यहाँ पे आपको कलर्स लाइव HD टीवी देखने मिल जाता है। मैं हाँ आवाज़ सभी का आ रहा है, तो आवाज़ का टेंशन मत लीजिए, वो मैं बस कम रख रहा हूँ ताकि यूट्यूब पे कोई कॉपीराइट का इशू ना आ जाए, तो ये मैंने कम रखा है। तो यहाँ पे आपको कलर्स HD देखने मिल जाते हैं, फिर निकलोडियन मतलब बच्चों का जो चैनल होता है कार्टून वाला, वो भी आपको HD में देखने मिलता है इसके अंदर कुछ इस तरह से। बाद में यहाँ पे MTV HD प्लस, मतलब आप अगर म्यूज़िक के फ़ैन हो वगैरह, अरे MTV अच्छा ये यहाँ पे तो अलग चल रहा है, थोड़ा एडवर्टाइजिंग टाइप दिखा रहे हैं ये, तो मतलब ये सभी आप चीज़ें इसमें देख सकते हो। MTV HD, CNBC आवाज़, हिस्ट्री HD TV चैनल, प्राइम HD, CNBC प्राइम HD, तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसा आप देख रहे हो अभी हमारा चल रहा है प्राइम HD, CNBC TV, प्राइम HD, रिश्ते, MTV बीट, CNBC आवाज़। बाद में यहाँ पे डिवोशनल कुछ चैनल्स आपको देखने मिल जाते हैं, ये है संस्कार वाला चैनल, तो संस्कार चैनल पे मतलब जो चल रहा है वो चल रहा है। तो ऐसे ही कुछ डिवोशनल चैनल्स आपको देखने मिलते हैं। बाद में न्यूज़ लाइव, CNBC, APB न्यूज़ हिंदी चैनल, इंडिया न्यूज़, News24, ऐसे अलग अलग चैनल्स आपको देखने मिलते हैं। APB माजा जो मराठी में है देख सकते हो आप। तो कुछ इस तरह से आपको चैनल्स में देखने मिलते हैं। और यहाँ पे लिखा है सीरीज प्रीमियर, तो ALT का सीरीज है देख सकते हैं अगर हमें, तो ये नहीं चल रहा कुछ, तो शायद लॉग इन करना पड़ेगा, बस लॉग इन करने के बाद वो भी ठीक से चलना चाहिए, चला तो ठीक है नहीं। और ये है HD, जैसा कि हमने बात कर लिया ऑलरेडी, ये जियो बॉलीवुड प्रीमियम HD क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। ये कौन सा मूवी इस पर चल रहा है उसके बारे में तो नहीं पता कौन सा मूवी चल रहा है, लेकिन देख सकते हो इसे फॉरवर्ड कर नहीं सकते या तो रिवर्स भी नहीं, अच्छा ये तो लाइव है तो बराबर है, फॉरवर्ड कर नहीं सकते। कॉमेडी सेंट्रल, ये कौन सा चैनल है, ये हॉलीवुड का चैनल है शायद से मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, हाँ उसी साइड का कुछ तो चैनल लग रहा है मुझे, इंग्लिश एंटरटेनमेंट चैनल है, हाँ कॉमेडी है इसके अंदर ऐसा बताया जा रहा है। तो ALT बालाजी, KB वो इसके अंदर आप देख सकते हो शायद से, प्ले करके देखते हैं सेल्फी वाली। तो अब ये हो रहा है लोड, अरे अपडेट टू जियो फाइबर प्लान टू वॉच दिस कंटेंट एंड अदर प्रीमियम कंटेंट ओनली, तो मतलब ये बोल रहे हैं कि अपडेट योर जियो फाइबर प्लान, तो जैसा मैं आपको बोल रहा था 199 में आपको ये वाला नहीं देखने मिलता, ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपको आपका प्लान जो है वो अपग्रेड करना पड़ सकता है दोस्तों। तो ठीक है, तो ये ALT बालाजी वाले आप इसमें नहीं देख सकते, कोई दूसरा मैं काउंट करके देखता हूँ ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये भी लोडिंग में थोड़ा टाइम तो ले लेंगे ही, और हाँ इसमें भी सेम बता रहा है वो,
तो ठीक है, ये अगर आपको देखना है एलटी बालाजी, तो आपको इसमें प्लान अपग्रेड करना पड़ सकता है, और वो भी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वो चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी के जो है वो नहीं चले थे इसमें। जैसा मैंने आपको बताया था हॉटस्टार का प्रीमियम होता है, तो वो भी आपको 99 रुपीज़ पर मंथ अकॉर्डिंगली ऐसे अलग अलग चार्जेस होते हैं, वो आपको पे करना पड़ता है। हॉटस्टार में भी वही सीन है, VIP का भी आपको अलग से लेना पड़ता है। जियो ओरिजिनल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, Zee5 के बारे में इसमें भी हम इसमें बताया था कि आपको ये Zee.com पर जा करके Zee5.com पर जा करके इसको आपको ऑथेंटिकेट वगैरह करना होता है। वो जैसे ही आप ये ऐप ओपन करते हो तो आपको समझ में आ सकता है कि वो एग्जैक्टली कैसा करता है और कैसे नहीं करता है। तो यहाँ पे इसने लोडिंग को इतना टाइम लिया है अराउंड, तो मैंने इसे ऑलरेडी जो है डिवाइस को लिंक कर लिया था, तो प्रोफाइल में आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसा आप स्टार्टिंग में करोगे तो आप वो सब कर सकते हो, ठीक है, तो वो हो सकते हो। तो अभी आप मुझे बताओ कि आपको ये क्या लगेगा, मतलब जियो पेजेस तो जियो ब्राउज़र वाला है, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ ज़्यादा बताने वाला हूँ नहीं। अभी बाद में आपको प्लान के बारे में बता दो, अभी करंटली कितना डेटा मेरा कंज्यूम हो चुका है एंड कितना करंटली डेटा अभी बचा है हमारे यहाँ पे। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा 944.62 GB रिमेनिंग है आउट ऑफ द 1000 GB, और 9 जैन के अराउंड मेरा प्लान ये जो है एक्सपायर होने वाला है कुछ इस तरह से। तो अभी हमें वापस आ जाए तो होम बटन पे हमारे, तो ये आ गए हम होम स्क्रीन पर। तो जैसा कि आपने देखा इसके अंदर जो जो थे जो जो ऐप्स थे, अभी मेरे हिसाब से तो भी आप सभी के जो डाउट्स थे कि इसमें OTT ऐप चले गए नहीं चले गए, तो वो सब आपको क्लियर हो चुके होंगे। एक और बात मुझे जो बहुत से लोगों ने पूछी थी कि वॉइस कॉलिंग क्या थी, ठीक है, तो वॉइस कॉलिंग का भी मैं देख लेता हूँ। तो जियो वॉइस कॉलिंग कहाँ पे है इसमें, तो पहले तो हमें दिखा था जियो वॉइस कॉलिंग के बारे में, लेकिन जियो वॉइस कॉल का ऑप्शन कहाँ पर है, पहले तो हम यहीं पर देखते थे ना जियो वॉइस कॉल। तो यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं थोड़ा ऊपर, अभी हम स्क्रोल अप कर रहे हैं, तो स्क्रोल अप करने के बाद नोटिफिकेशंस, बाद में नेटवर्क रिमोट कुछ इस तरह से मिल जाता है हमें। एप्लीकेशन अनअवेलेबल बोल रहा है, रिमोट कनेक्टेड, वो तो कनेक्टेड ही है। तो क्या पता, पहले तो मैंने जब देखा था तो जियो कॉलिंग का कुछ यहीं पे था, तो मैं इसे एक और बार जियो स्टोर में हम जाते हैं। जियो स्टोर में जाने के बाद हम देखते हैं अगर यहाँ पे अगर जियो कॉलिंग का हमें ऑप्शन दिखता है, तो यहाँ पे ये जो माय ऐप्स में जाता हूँ, अभी माय ऐप्स में जाने के बाद इंस्टॉल्ड ऑल ऐप्स, ऑल ऐप्स में आपको बताता हूँ। तो देखिए ऑल ऐप्स में हमें जियो फोटोज़ फोटोज़ जियो कॉल माई जियो जियो सावन हॉस्टल जियो सिनेमा इतने सब हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जियो स्टोर में जाने के बाद जियो कॉल्स में जाना होता है। जैसे आप जियो कॉल्स में जाते हो तो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, इंस्टॉल करने के बाद आपको जिस तरह का इंटरफेस मिलता है, तो जैसे आप देख सकते हो इंटरफेस, और फिर आपको यहाँ पे कॉल करना होता है। अभी ये जो है ये स्क्रीनशॉट है, मैंने एक्चुअली इसे इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन इससे मैंने ट्राई करके देखा था कि इससे जो कॉलिंग होता है वो कॉलिंग आप आपके मोबाइल फ़ोन पे नहीं कर सकते। ये तो मतलब आपको जियो टीवी है, और किसी के पास जियो कनेक्शन होगा, नॉट जियो टीवी एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन जियो कनेक्शन अगर किसी के पास हो, कोई बंदा होगा आपका दोस्त वगैरह जिसके पास जियो फाइबर का कनेक्शन है, तो उसके साथ आप बात कर सकते हो इससे। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो जियो कॉल्स के वक्त आपको याद में रखनी होती है। आप अगर सोचोगे कि मैं मोबाइल से फ़ोन करूँगा और वो फ़ोन यहाँ पे आएगा और आप वीडियो देख सकते हो, तो ऐसा मेरे हिसाब से तो भी नहीं होगा। मैंने खुद ने ट्राई करके देखा था, तो ना कि वो कॉल अगर मैं यहाँ से करता हूँ मेरे नंबर पे तो कॉल नहीं जाता, वहाँ से कॉल करूँगा तो वो कॉल अपना जो लैंडलाइन वो प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर कॉल आता है। तो टोटल तो जियो कॉल्स का अभी तक मुझे नहीं पता, और मैं नहीं बता सकता एग्जैक्टली क्या क्या होता है। एंड जो आपके पास अगर आपके कोई दोस्त होगा जिससे आप जियो कॉल टू कॉल बात कर सकते हो, तो आप ज़रूर करके देखिए और नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। एंड मुझे ये भी बताइए कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना आप लोग पसंद करोगे। अगर आपने अभी तक आपने ये वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ आपके लिए कुछ ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आई होप आपके सब डाउट्स सब जो है वो क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो में। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।